मनीषा गर्ग। और फ्रेंड्स, आप राजस्थान के इतिहास में आज हम जानेंगे मारवाड़ के इतिहास में मालदेव का बीकानेर अभियान। मित्रों, मालदेव के बहुत से अभियानों के बारे में जो उसने बीकानेर अभियान से पहले किए उसकी मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें जानकारी दी। मित्रों, मालदेव का जो बीकानेर अभियान है या बीकानेर पर उसकी जो विजय है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। मित्रों, मालदेव की बीकानेर विजय के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, मालदेव ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति में अपने कुटुंबी बीकानेर राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। मित्रों, साम्राज्य विस्तार की इसकी जो इच्छा थी इतनी प्रबल थी मालदेव की, इसने बीकानेर जो इसका कुटुंबी राज्य था उस पर भी अधिकार करने की इसने इच्छा बनाई। मित्रों, मालदेव ने सन 1541 में मित्रों बीकानेर पर आक्रमण किया। उस समय मित्रों बीकानेर का जो शासक था वो था राव जैत सिंह। मित्रों, राव जैत सिंह ने अपने जो परिवार था उसको सिरसा भेज दिया सुरक्षित रखने के लिए और स्वयं पाहेबा नामक एक स्थान पर आ गया। इसको साहेबा भी कहते हैं। मित्रों, इस स्थान पर आकर इसने यहाँ पर आकर पहुँचा और अपना जो मालदेव भी अपने योग्य सेनापति जैता और गोपा, मित्रों ये जैता और गोपा का जो नाम है वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर इनसे प्रश्न आते हैं। जैता और गोपा ये मालदेव के बहुत ही वफादार और वीर मतलब सेनापति थे। इन्होंने बीकानेर की राव जैत सिंह को मित्रों युद्ध में पोहेबा नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित किया और यहाँ पर राव जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, 1541 में इस पोहेबा का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि मित्रों ये युद्ध जो है पोहेबा नामक स्थान पर हुआ। मित्रों, जैत सिंह ने अपने मंत्री नागराज, इसका मंत्री था एक जैत सिंह का, बीकानेर का जो शासक था जैत सिंह, इसका मंत्री नागराज इसकी सहयोग से या इसे भेजकर शेरशाह सूरी से भी मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगी थी, लेकिन जैत सिंह को मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त नहीं हुई। मित्रों, जब मालदेव अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो एक शेरखा नामक एक अफगान सरदार जो था वो भी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था और उसने दिल्ली की गति प्राप्त करने के लिए, मित्रों दिल्ली पर इस वक्त मुगल शासन स्थापित था, हुमायूं वहाँ का शासक था, मुगल राज्य का स्वामी था, लेकिन 17 मई 1540 को इसने बिलग्राम के युद्ध में, इस अफगानी सरदार शेरखा ने बिलग्राम के युद्ध में मुगल साम्राज्य का जो हुमायूं था इसको हरा दिया और स्वयं जो है मुगल साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। दिल्ली की गद्दी पर शेरखा का अधिकार हो गया। मित्रों, और ये जो शेरखा है इसी ने ही मित्रों बिलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की और दिल्ली का बादशाह बना। मित्रों, मालदेव ने हुमायूं को अपनी तरफ मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का मन बनाया, लेकिन 1540 में जब मालदेव ने हुमायूं को अपने पास बुलाया उसे सहायता देने के लिए, क्योंकि हुमायूं जो था इस वक्त निर्वासित हो चुका था, बिल्कुल इसको दिल्ली की गद्दी जो थी इसे छीन चुकी थी बिलग्राम के युद्ध के बाद। शेरशाह सूरी ने इसे दिल्ली का जो तख्त था वो छीन लिया था। इस बात का मित्रों जब पता बीकानेर के राजा को कल्याणमल को चला, क्योंकि बीकानेर जो रियासत थी इस वक्त बिल्कुल मालदेव के खिलाफ हो चुकी थी राव जैत सिंह की मृत्यु के बाद, तो ये कल्याणमल जो था वो इस बात का बदला लेना चाहता था। उसको जब पता चला कि मालदेव जो है शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं की सहायता करना चाहता है तो इसने शेरशाह सूरी को ये बात बता दी। शेरशाह सूरी ने मालदेव को कहलवाया कि वह हुमायूं को, जब हुमायूं मालदेव के पास आए तो वह उसे बंदी बना ले। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यह बात कहलवाई। मित्रों, हुमायूं को कहीं से भी मदद नहीं मिली तो 7 मई 1542 को हुमायूं जो है वो मालदेव से मिलने के लिए जोगी तीर्थ नामक स्थान पर जाता है। जोगी तीर्थ इस स्थान पर मित्रों जो मालदेव है वो शेरशाह सूरी के बढ़ते वचस्व के कारण हुमायूं को सैनिक सहायता भी नहीं देता और लेकिन इसे बंदी भी नहीं बनाता, क्योंकि एक राजपूत गरिमा है भी किसी भी शरण में आए हुए व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता, तो राजपूत गरिमा के कारण वह हुमायूं को बंदी भी नहीं बनाता मालदेव। इस बात का पता जब शेरशाह सूरी को लगता है तो मित्रों शेरशाह सूरी जो है वो मालदेव से बुरी तरह से चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है और वह मालदेव पर अपना अपमान का बदला लेने के लिए मारपाड़ पर चढ़ाई कर देता है। मित्रों, शेरशाह सूरी आगरा होते हुए नारनौल, हरियाणा होते हुए फतेहपुर से डीडवाना होता हुआ मारवाड़, डीडवाना यानी कि मित्रों नागौर जिले में डीडवाना नामक एक क्षेत्र है, इस डीडवाना क्षेत्र से होते हुए मित्रों ये मारवाड़ पहुँचता है। इसका पता जब मालदेव को लगता है तो मालदेव अपनी सेना का पड़ाव जैतारण
मित्रों ये जैतारण और पिपाड़ दोनों ही क्षेत्र मित्रों ये पाली क्षेत्र में पड़ते हैं, यहाँ पर अपनी सेना का पड़ाव डालता है। शेषासुरी जो है वो भी अपनी सेना के साथ और उसके साथ मित्रों मेड़ता का भूतपूर्व स्वामी जो पहले से ही मालदेव का शत्रु होता है जिसका नाम होता है वीरमदेव, ये भी शेषासुरी के साथ मिल जाता है। इसके साथ ही मित्रों शेषासुरी के साथ बीकानेर का कल्याणमल, क्योंकि ये भी मालदेव से रावजासी की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। ये दोनों जो व्यक्ति है मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल, ये दोनों शेषासुरी को सैनिक सहायता देते हैं और इसकी सेना के साथ संयुक्त रूप से गिरी सुमेल या सामेल या सुमेल पाली में मित्रों एक स्थान है, यहाँ पर अपनी अपनी सेनाओं का पड़ाव डालते हैं। मित्रों यहाँ पर फिर शेषासुरी और मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो होता है। मित्रों शेषासुरी की कूटनीति के बारे में हम जानते हैं भी शेषासुरी ने इस युद्ध में कौन सी कूटनीति अपनाई जिसके कारण यहाँ जो है मालदेव जो है वो हार जाता है युद्ध में। तो शेषासुरी ने मित्रों युद्ध करने से पहले कूटनीति अपनाई कि उसने जो मालदेव के योग्य सेनापति जैता और कुपा भी मैंने पहले आपको बताया, तो उनके डेरे के सामने इसने 10,000 रुपये डलवा दिए और जो मालदेव था उसके जो शिविर था उसके सामने यह पत्र छोड़ दिया कि मैंने तुम्हारे जो ये स्वामी भक्त तुम्हारे सेनापति हैं तुम्हारे वीर और वफादार जो सेनापति हैं इनको 10,000 रुपये में खरीद लिया है। मित्रों इस बात यह पत्र जब मालदेव तक पहुँचता है तो मालदेव क्या है कि दोनों सेनापतियों जैता और कुपा के शिविर की जांच करवाता है, जैता और कुपा के शिविर की जांच करवाता है। ये मित्रों ये जो घटना होती है ये रात्रि की होती है। रात्रि में मित्रों जब वह इन दोनों के शिविर की जांच करवाता है, डेरों की तलाशी करवाता है जैता और कुपा की, तो वहाँ उसे 10,000 रुपये मिल जाते हैं। तो मित्रों मालदेव को विश्वास हो जाता है कि जैता और कुपा जो है वो उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो वह क्या करता है कि वह उन्हें वही मतलब युद्ध स्थल पर या शिविर में वहीं युद्ध स्थल पर छोड़कर जैता और कुपा को और खुद जोधपुर आ जाता है मालदेव। मित्रों वहीं इस घटना के बारे में राजस्थान के इतिहासकार मोहनौत नैंसी इस घटना को इस प्रकार से वर्णित करते हैं कि मेड़ता का जो वीरमदेव था वो 20,000 रुपये कुपा के पास भिजवाकर उसके लिए कंबल खरीदने तथा जैता के पास 20,000 रुपये बेचकर उसके लिए सिरोही की तलवार खरीदने के लिए कहलवाया, यानी कि वह दोनों को 20,000 रुपये इसलिए देता है ताकि एक जो जैता है वो उसके लिए कंबल खरीदे और दूसरा जो कुपा है वो उसके लिए सिरोही की तलवार खरीदे। मालदेव को उसने दूसरी तरफ मालदेव को ये सूचना भिजवा दी वीरमदेव ने कि मैंने तुम्हारे दोनों सेना नायकों को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया है। इस बात का जब पता मालदेव को लगा या मालदेव ने जब शिविरों की जांच करवाई जैता कुपा के डेरों में पैसे मिले तो मालदेव को विश्वास हो गया कि जैता और कुपा मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो मित्रों मालदेव जो है वो अपनी मुख्य सेना को साथ लेकर 4 जनवरी 1544 को वापस जोधपुर आ जाता है और जोधपुर की सुरक्षा के प्रबंध में लग जाता है। मित्रों सुबह जैता और कुपा को जब इस घटना को पता चलता है तो उन्हें लगता है कि उनके ऊपर गद्दारी का एक अमिट कलंक लग गया। मित्रों राजपूतों में जो वफादारी थी वो कूट कूट कर भरी थी। जैता और कुपा जो थे मालदेव के वफादार सरदार थे वो इस कलंक को मिटाना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने के लिए जैता और कुपा के पास बहुत कम सेना थी तो भी इन्होंने 5 जनवरी 1544 को इन्होंने शेषासुरी पर आक्रमण कर दिया। तो दोपहर तक तो मित्रों शेषासुरी की जो सेना थी वो हार रही थी, लेकिन दोपहर की नमाज अदा करने के लिए युद्ध को एक बार रोक दिया गया। शेषासुरी जब नमाज करता है मित्रों नमाज करके वो खुदा से भगवान से ये प्रार्थना करता है भी किसी तरह इस युद्ध में उसकी विजय हो जाए। मित्रों वही होता है और शेषासुरी का एक सेनापति जिसका नाम होता है जलाल खां जलवानी ये शेषासुरी का सेनापति होता है और ये जो है पीछे से शाही सेना लेकर आ जाता है। शाही सेना नई सेना होती है और ये स्फूर्ति भरी सेना जो है वो शाम होते होते जैता और कुपा से युद्ध लड़ते हुए इसमें मित्रों इस युद्ध में इतना जोश आ जाता है इस सेना के कारण जलाल खां जलवानी की जो सेना होती है उसके कारण शेषासुरी की सेना में जोश आ जाता है और शाम तक जो है वो जैता और कुपा युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह मित्रों इस युद्ध में शेषासुरी जो है वो विजय होता है। मित्रों इस युद्ध हो रहा था जब ये युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर
एक शेरशाह सूरी की सेना में एक इतिहासकार भी था जिसका नाम था याह्या बिन अहमद अब्दुल सरहिंदी याह्या बिन अहमद अरबल अरब अब्दुल सरहिंदी याह्या बिन अहमद अब्दुल सरहिंदी। तो ये एक मुस्लिम इतिहासकार था, ये इस समय युद्ध में उपस्थित था, युद्ध स्थल पे। इसने एक पुस्तक लिखी मित्रों जिसका नाम था तारीख है शेरशाही। तो इस पुस्तक में इसने इस युद्ध का आंखों देखा जो वर्णन है, इस युद्ध का चित्रण जो है अपनी आंखों देखा वर्णन मित्रों, इस युद्ध को कौन जीतता है कौन हारता है और शेरशाह सूरी जो है किस तरह मुंह की खाते खाते अकस्मात ही इस युद्ध में जीत जाता है, तो सब जो वर्णन है इस मुस्लिम इतिहासकार पारसी इतिहासकार याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने अहमद अब्दुल सरहिंदी ने अपनी पुस्तक में किया है तारीख शेरशाही में। मित्रों इस युद्ध में जब हारते हारते शेरशाह सूरी जो है हारते हारते जीतता है तो वो उसकी मुँह से अकस्मात ही निकल जाता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी कि वह भी जैता और कूपा की वीरता से पूरी तरह से घबरा जाता है कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मित्रों खुदा की जो उसने दुआ लगाई थी, नमाज अदा की थी, वो दुआ उसके काम आती है और इतने योग्य और वीर सैनिक भी, जैता और कूपा जैसे कुशल सैनिक भी जिन्होंने शेरशाह सूरी की सेना के दांत इकट्ठे कर दिए मित्रों, वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है। मित्रों जैता और कूपा की वीरता को देखकर सूरी कहता है कि काश जैता और कूपा जैसे वीर मेरे पास भी होते तो मैं एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। यानी कि शेरशाह सूरी भी है वो जैता और कूपा की वीरता का कायल हो जाता है मित्रों इस युद्ध में। इस विजय के बाद मित्रों शेरशाह सूरी का जो जोधपुर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है और जहाँ पर शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी नामक मस्जिद बनवाई मित्रों। इसके साथ साथ जोधपुर दुर्ग की जो प्रबंध की जिम्मेदारी थी उसने ख्वास खां को दी। ख्वास खां मित्रों जोधपुर दुर्ग के प्रबंध की जिम्मेदारी ख्वास खां को सौंपी गई और मित्रों मालदेव जो था वो जोधपुर दुर्ग से भागकर मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाने वाला सिवाड़ा दुर्ग में जाकर शरण लेता है। मित्रों मालदेव को ज़्यादा दिन तक जोधपुर में नहीं रहना पड़ा क्योंकि 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान कालिंजर जो दुर्ग है मित्रों ये उड़ीसा में है, यहाँ पर जो शेरशाह सूरी 1545 में आक्रमण करता है और इस आक्रमण के दौरान उक्का नामक एक अस्त्र होता है उसमें आग लगने से सूरी की मृत्यु हो जाती है मित्रों। मालदेव जो है इस शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद ये वापिस अधिकार कर लेता है जोधपुर दुर्ग पर और मित्रों दिल्ली पर मुगल शासन जो है वो भी वापस स्थापित हो जाता है शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद। मित्रों इसके बाद क्या मुगल साम्राज्य का जब स्थापना हो जाती है दिल्ली पर वापस, तो अकबर और मालदेव के मध्य जैतारण नामक स्थान पर एक युद्ध होता है जिसमें मालदेव की हार हो जाती है मित्रों और 7 नवंबर 1562 को ये मालदेव की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। तो मित्रों मालदेव के बारे में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।